मुस्लिम लीग नून यूएई के चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब अब्दुल हमीद मुगल की जानिब से अमारात में मकीम साफी बरादरी के लिए एक मकामी होटल में अशिया तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के नुमाइंदगान ने शिरकत की। सदर मुस्लिम लीग नून यूएई मुस्तफा मुगल, सदर बरतानिया जुबैर गुल, चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल हमीद मुगल, शौकत महमूद भट्ट, हाजी मोहम्मद नवाज, राव अकबर अली साकी, सरफराज मुगल, जमील बंगयाल, फारूक ब्लाइज, मलक दोस्त अवान और मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं ने सहाफियों को वेलकम किया और कहा वो मीडिया के मुस्बत रिपोर्टिंग पर शुक्र गुजार है। तमाम सहाफी पाकिस्तान का असासा है और हम अपने सहाफियों पर फख्र करते हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। सहाफियों ने मुस्लिम लीग नून की क्यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है और हम अपना काम हमेशा दयानतदारी से अदा करते रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून यूएई मुस्तफा मुगल, सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया जुबैर गुल, चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल हमीद मुगल, सीनियर रहनुमा शौकत महमूद भट्ट ने बात की। शारजा से रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर मुगल, 6 न्यूज दुबई यूएई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बनाने के लिए और जब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मौका मिला, आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बनाया। इंशाल्लाह ये बयानियाँ आज मुफ्ती अरकान इस चीज़ मैं बना रहे दे देंगे ना, इस चीज़ पर वो मस्जिद थे लेकिन आज वो मकामत की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो ये टीम वन करीब अपनी टीम वो भेजने के लिए तैयार हो गई है, यूके में मकामत करें, लेकिन मैं समझता हूँ असूल पर मकामत नहीं होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसे पूरा ओवरसीज़ कम्युनिटी इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी है और जिस तरह से आपने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर इंडिया की आंखों में आंखें डाल के 5 धमाकों के बदले 6 धमाके करने वाला वो इंसान जिसने पाकिस्तान में खुशहाली लाया, उसके ऊपर गद्दारी जैसे मुकदमात बन रहे हैं तो इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत बस वो अपने आखिरी दिन गिन रही है और ये गुजरांवाला का जो जलसा होगा इससे आपको उस दिन ही रिज़ल्ट निकल आएगा कि पाकिस्तान में चेंजिंग शुरू है। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों की, अब महीनों की नहीं चंद दिनों की बात है कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत का आइन की बालादस्ती का बोलबाला होगा। जिस तरह देखा है ये फर्स्ट हमारा स्टेप है, इसमें आपने देखा होगा जो नए भी मिलते थे वो भी मिले हैं, इसी तरह हमारी कोशिश जारी रहेगी। इंशाल्लाह हम सबको मुतहद लेके मुतहद करें भी ये और साथ भी लेके जाएंगे। तो क्या समझे जिस तरह मरियम नवाज वो बड़ी तहरीक शुरू करने जा रही हैं, तो क्या उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो जो तहरीक कर रही हैं इंशाल्लाह हम उसकी तहरीक के शाना बशाना पाकिस्तान में शामिल होंगे और भरपूर हम उस तहरीक को कामयाब बनाएंगे। ठीक, और नवाज के बयान के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जनाब, मियाँ साहब के जो बयानियाँ जनाब शुरू से लेके वो अपने मुल्क और कौम के लिए है, जो उसके मफाद के लिए है, इंशाल्लाह हम उसके बयानियों के लिए पहले भी थे अभी भी हैं और हमेशा उनके बयानी के साथ हम लेके चलेंगे। रास्ता जो है वो सजाया और यहाँ जो हमारे तमाम मीडिया के जो दोस्त हैं वो तशरीफ़ लेकर आए, उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं मुस्तफा मुगल साहब वो भी आए और उसके अलावा यूके के जो प्रेसिडेंट हैं जुबैर गुल साहब वो भी तशरीफ़ लाए, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मीडिया का भी जिन्होंने मुझे ये सबको वेलकम करने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया।